बस्ती से बड़ी खबर, नाबालिग का गांव के युवक योगेश ने किया अपहरण। एफआईआर लिखने के बजाय पुलिस ने किया कारनामा। अपहरण करने वाले युवक के साथ ही नाबालिग बेटी को भेजा, जबरन सुलह करवाकर नाबालिग की अस्मत का करवाया सौदा। पीड़ित बेटी के पिता एसपी से मिलकर लगाए न्याय की गुहार। एसपी ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का दिया निर्देश। सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर गाँव का है पूरा मामला। लड़की आपकी बालिक है कि नाबालिग है? लड़की नाबालिग है। थाने पर आप गए? हाँ, थाने पे गए। दरोगा जी ने क्या कहा? दरोगा जी ने कोई सुनवाई नहीं की। कितनी बार थाने पर गए? थाने पर कम से कम एक हफ्ता से दौड़ रहे हैं। कप्तान साहब से मिली हैं आप तो? कप्तान साहब ने क्या शोषण दिया? कप्तान साहब यही शोषण दिया कि एफआईआर दर्ज हो। थाने पर आप तब गए, दरोगा जी से मिले दोबारा? मिले। क्या कहे दरोगा जी? दरोगा जी कहे कि एफआईआर दर्ज होगा आपका। हाँ, लेकिन अभी तक किए ना इधर। आप लड़की के साथ? हमारी लड़की के साथ बलात्कार कर भगा ले गए। कहाँ का रहने वाला? जो भगा के सुरजी का रहने वाला, जिला थाना दुमरियागंज, जिला सिद्धार्थनगर। कौन कौन भगाया? सर वो राम और है, इसका नाम है, उसका बाप का नाम है राम केवल, और उसकी बेटी का नाम है रीमा, उसका लड़के क्या नाम है? अवगेश। अवगेश तो कितने दिन से लेकर गायब है? वो 12 तारीख से। 12 तारीख से लेकर गायब। कैसे थाने पर शिकायत की? वहाँ कोई सुनवाई नहीं हमारा। कि जो है दरोगा जी ने क्या कहा? कहा कि ऐसे में हिला हवाली करते हुए और 10 दिन 12 दिन बीत गया। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ? अभी तक एफआईआर नहीं हुआ। थाने पर आप कितनी बार गए? थाने पर हम 5-6 दफे गए। सुनवाई नहीं हुई? आज आए थे कप्तान साहब, क्या कुछ आश्वासन दिए? कप्तान साहब जी आए थे तो क्या बोले कप्तान साहब? कप्तान साहब से कहे कि हम वहाँ एफआईआर दर्ज कर लेंगे। एफआईआर अभी तक नहीं दर्ज हुआ। अच्छा, तो क्या चाह रहा है? हमारा एफआईआर दर्ज हो। हाँ, और लड़की की बरामदगी हो? हाँ, लड़की को बरामदगी हो। मुलजिमों को जेल भेजा जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम पुजारी है। क्या कुछ आपके गांव में प्रकरण हुआ है? हमारे ये दरियापुर ग्राम सभा का मामला है, और हमारे ग्राम सभा में जो है ये सोनाटिया गांव का एक मामला है, और ये 12 तारीख की घटना है, और सुनने में आया है कि लड़की नाबालिग है, और ये पुजारी नाम के व्यक्ति और गुड़िया इनकी पत्नी है, और ये बार बार जो है थाने पर 8-10 दिन से घूम रही हैं। थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुकामी पुलिस मुलजिमों से मिल गई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने पर रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन तमाम तरह से इनको हरासमेंट किया जा रहा है। इनकी कोई कार्रवाई, कोई ना मुकदमा लिखा जा रहा है, ना किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हो रही है, और सबको गुमराह किया जा रहा है। आज आप लोग कप्तान साहब के यहाँ मिले, क्या क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने यही आश्वासन दिया कि जाइए, मैं बोल रहा हूँ एफआईआर दर्ज होगा, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अच्छा, आप समाज सेवी हैं जी? क्या नाम है आपका? राजन चौधरी। ये सोनहा थाने का प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता है जो जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही दो लोग उसको कहीं बहला फुसला के भगा ले गए हैं। इस सूचना पर कल अपराध संख्या 67/23 धारा 363-366 IPC का थाना सोनहा पर दर्ज किया गया है, और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया इंस्पेक्टर सोनहा को कि पीड़िता की शीघ्र बरामदगी करें, और इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई अमल करें।